स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता के संबंध में जो गवर्नमेंट कह रही थी कि सितंबर में घोषित करने वाली है तीन परसेंट के आसपास उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों जहां तक महंगाई भत्ते का सवाल है हर साल जनवरी और जुलाई में लागू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए उसी हिसाब से स्टेट के लिए भी लागू किया जाता है नॉर्मली यह था कि सितंबर के तीसरे सप्ताह तक सुनने में ये आ रही थी उम्मीद की जा रही थी कि तीन या चार परसेंट की डीए की घोषणा की जाएगी लेकिन जहाँ तक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है यह कहा जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि अक्टूबर में आपके डीए की घोषणा की जाएगी और ये डीए जो होगा वो तीन परसेंट की जगह चार परसेंट होने की संभावना है तो ये तो अच्छी ही बात है क्योंकि अगर तीन परसेंट की जगह चार परसेंट सिर्फ एक वीक बाद हो जाए तो और नॉर्मली वह दुर्गा पूजा के आसपास ही होता है तो चांसेस वही है डीए का एक्सपेक्टेशन था पहले तीन परसेंट का जो कि सितंबर में घोषित होना था लेकिन तीन परसेंट की जगह पे तीन परसेंट कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएगा ऊपर से बाकी चीज़ों के सिनेरियो को अगर देखा जाए गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी सोचती है आने वाले समय में कई स्टेट्स में इलेक्शंस हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो तीन परसेंट की जगह जहाँ तक मेरा मानना है कैलकुलेशन के हिसाब से चार की घोषणा की जाएगी आइदर अभी भी, भी सेप्टेम्बर लास्ट वीक में होने की संभावना है और एल्स मैक्स टू मैक्स अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो डीए ए के चार परसेंट की घोषणा कर ही दी जाएगी तीन परसेंट नहीं की जाए तीन परसेंट थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया जहां इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है अगर महंगाई भत्ता की सूचकांक के हिसाब से देखा जाए तो भी और अन्य रेशियो से कॉमन मैन के लहजे में देखा जाए तो भी तो वहाँ चार का महंगाई भत्ता जारी करने का तो उम्मीद है बाकी वित्त मंत्रालय जो करे और बाकी तो कहा नहीं जा सकता कि क्या होने की उम्मीद है पर जो उम्मीद करके चल रहे हैं तेईस लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए और बाकी पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता की जो घोषणा होगी सितंबर के लास्ट वीक और एल्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चार परसेंट को और इस चार परसेंट के साथ आपका महंगाई भत्ता हो जाएगा फिफ्टी फोर परसेंट यानी चौवन परसेंट होने की संभावना है जो कि बहुत अच्छी बात है मर्जिंग की तो अब कोई चांसेस नहीं है जहां तक उम्मीद की जा रही है कि मर्जिंग तो अब डी और बेसिक करके नया डी तैयार नहीं किया जाएगा अगर वेट करना है तो वेट कर लीजिए थोड़े दिनों तक क्योंकि मोरलेस एट्थ पे कमीशन ही आएगा और एर्थ पे कमीशन का ही आना चाहिए जब इतना साल वेट हो गया चार या पाँच साल में कर देती तो एक समझ समझ में आता था कि चार या पाँच साल में बेसिक और डी को मर्ज करके या फिफ्टी परसेंट करने के बाद भी करते तो भी कुछ समय ज़्यादा बचता था लेकिन अब ज़्यादा बचे हुए समय है नहीं तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस तरह के रिस्क खेलेगी एर्थ पे कमीशन नहीं लाएगी वो बहुत बड़ा इशू बन सकता है ऑलरेडी ओल्ड पेंशन का स्कीम जो है सरकार के सिर का दर्द बना हुआ है यू के रूप में तो एर्ट पे कमीशन ही आएगा उसमें कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है और उसकी आवश्यकता भी है कई तरह के कैडर स्ट्रक्चरिंग मर्जिंग कई तरह के पेमेट्रिक्स पे में, में बदलाव इन सारी चीज़ों को अगर गौर करते हुए देखा जाए तो होगा फिलहाल जहाँ तक डी की बात कर रहे हैं तो चार परसेंट ही बढ़ के आएगा आयदर सेप्टेम्बर लास्ट वीक और इस अक्टूबर फर्स्ट वीक में बढ़ के देखते हैं क्या आता है हम तो उम्मीद करते हैं कि पाँच या छः परसेंट किया जाए जिसकी उम्मीद करना व्यर्थ ही है देखते हैं जो आएगा उसके अपडेट के साथ फिर मैं आपको अपडेट करूंगा धन्यवाद